जैसे q इक्वल टू m ही पढ़े क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से प्लस माइनस दोनों होता है, m की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर्स हो सकता है। एक प्लस का मतलब वो चार्ज को क्या करता है, वो लूज करता है, और माइनस का मतलब चार्ज को गेन करता है। दूसरा चीज है q इक्वल टू हम लोग it भी पढ़े, ये किससे पढ़े हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, करेंट की डेफिनेशन से। और तीसरा है ओम्स लॉ पढ़े हुए हैं, v बाय i इक्वल टू होता है r, ये ओम्स लॉ है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे v इक्वल टू i इनटू r लिख सकते हैं। फिर v जानने से पहले कि v होता क्या है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे कि द वर्क डन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो v इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई क्यू। चौथा चीज है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ना है तुमको, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं पढ़ना है, 12 प्लस तो आ जाता है। लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, जैसे यहाँ पर डब्ल्यू बाई क्यू है तो ऐसे ही यहाँ पर एफ बाई क्यू भी होता है, यानी फोर्स। जैसे यहाँ पर अगर कोई चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज है, तो इस चार्ज के एक डेफिनेट एरिया तक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इसमें अगर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज होता है, इसका जो इंटेंसिटी होगा, जिसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, या इसके चलते जो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगेगा, वो लगभग नेग्लिजिबल लगेगा, लेकिन बहुत कम। तो ये यहाँ पर एक चार्ज हो गया, मान लो ये प्लस का क्यू, अब इसको तुम इधर ले करके जब आओगे तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस, ये इसको आने नहीं देगा, रिपेल करेगा, धक्का देगा। लेकिन हमको इसको कहाँ लाना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही कहीं ना कहीं लाना है। तो जब लाने के लिए हमको एक्सटर्नल यहाँ से फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यू नॉट चार्ज को लाने के लिए अगर एफ फोर्स लगाना, तो यूनिट चार्ज को लाने के लिए एफ बाई क्यू नॉट फोर्स लगाना पड़ेगा। तो F by Q not होगा, वही इसके जिस पॉइंट पर लाएंगे तो वही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, F by Q होता है। इसकी जरूरत तुम्हारे क्लास में कमें पड़ेगी, स्टार लगा देते हैं फिर भी। और नेक्स्ट है, इसके बाद हम लोग को पावर का डिफिनेशन पढ़ें। पावर इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू W by T। एक तो फॉर्मूला, ये बेसिक डेफिनेशन से ये फॉर्मूला निकला, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे टर्म्स हैं। जैसे यहाँ पे W by T तो हो रहा है, W की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से तो V into Q या Q into V हो जाएगा, तो P equal to V into Q लिख लेंगे, और यहाँ पर T लिखा ही है तो ये T हो गया। फिर इसको V को V ही रहने देते हैं, Q equal to IT अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, Q equal to IT, और नीचे यहाँ पे T है, तो ये T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, और T से T जब कैंसिल होगा तो P इक्वल टू आ जाएगा V इंटू आई। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ गया, P इक्वल टू V इंटू आई। Q के जगह पे NE, हाँ, तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया होगा या चार्ज पार्टिकल तो लगा सकते हैं। अभी कई सारे फॉर्म बनेंगे, अभी नेक्स्ट जो फॉर्म इसका है P इक्वल, ये तो V और I में फॉर्मूला बनता है, अब V को V ही रहने देते हैं, I को हम चाहें तो यहाँ से फॉर्मूला निकाल के लिखना चाहें, I की वैल्यू तो V बाई R हो जाएगा, तो यहाँ V बाई R लिख लीजिए, तो यहाँ से आ गया V इंटू V तो V स्क्वायर और बाई R, तो पावर का एक फॉर्मूला ये भी होता है, P equal to V square by R in the terms of V or R। Next हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जहाँ V लिखा हुआ है उस V को replace कर दे IR, किसमें replace करते हैं IR, तो क्या formula बन जाएगा, P equal to V को IR में replace कर रहे हैं और into I, तो ये मिल करके कितना जाएगा, ये I square R। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये जो क्वेश्चन है, पूरा जो डेरिवेशन है ना, वी आई वी स्क्वायर बाई आर आई स्क्वायर आर पावर का, 2019 में सीबीएसई बोर्ड में अपने आई सेंटर पे आया था कि पावर के जो है ये तीनों फॉर्म को डिराइव करिए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया था, तो इसको ध्यान रखना जरूर, बताता है उस
ये अभी जैसे किया मैंने, पहले डिफिनेशन लिखोगे, बाय द डिफिनेशन ऑफ पावर द रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉरी द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, या द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन द यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर के डिफिनेशन से लिख करके यहाँ लिख दिया फॉर्मूला, उसके बाद इस फॉर्मूला से W के जगह जैसे हमने यहाँ पे लिखा W की जगह वी क्यू, तो वो रख लेंगे। ऐसे बिल्कुल ऐसे सॉल्व करना है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। और तुम लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखो सर 2 नंबर क्वेश्चन है MCQ का 2 या 3, सेम क्वेश्चन है, उसमें 3 पावर का फॉर्मूला पूछा है विच इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ द पावर, तो उसमें ये भी ऑप्शन दिया है P = VI, तो ये करेक्ट है, सही है, तो ये तो होगा नहीं, P = V² / R ये भी दिया है तो करेक्ट है, P = I² R ये भी सही है, लेकिन एक उसमें और भी दिया है P = IR² तो I और R के जब टर्म में लिखते हैं तो वहाँ पर R स्क्वायर नहीं होता, I स्क्वायर होता है, R सिंगल पावर रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया, और भी बहुत सारे फॉर्मूला है इसमें, जैसे हीट का क्या फॉर्मूला, हीट का जो फॉर्मूला होगा S = I²RT, ये बेसिक फॉर्मूला है स्क्वायर। इसके अलावा सीरीज और पैरेलल वाला, सीरीज के लिए हम लोग RS = R1 + R2 + R3 लिखते हैं, अब पैरेलल के लिए क्या लिखते हैं, पैरेलल के लिए 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अच्छा, इतना सब पढ़ने के बाद भी न्यूमेरिकल्स उसमें दिया हुआ है कुछ क्वेश्चंस, और बोर्ड एग्जाम में आता भी है, जैसे 2 या 3 रजिस्टर्स दिया रहेगा, आप पूछेगा कि व्हेन विल बी द मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस से पूछेगा तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और पूछेगा व्हेन विल बी द मिनिमम इक्विवेलेंट ऑफ द रेजिस्टेंस, तो वहां पे पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि कभी कभार ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा रहता है कि रजिस्टर्स जो है सीरीज में जुड़ा कि पैरेलल, लिख देगा कि रजिस्टर्स आर कनेक्टेड सच दैट द करेंट्स डिवाइड इन ईच रजिस्टर, तो करेंट डिवाइड इन ईच रजिस्टर का मतलब सब पैरेलल, आ करेंट इज सेम इन ईच रजिस्टर्स इसका मतलब सीरीज, तो लैंग्वेज चेंज करके लिख सकता है, या पोटेंशियल के टर्म्स में दे सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस कह दिया तो सीरीज, तो ये सब अपना छोटी छोटी